अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्टाइल फूड विद मी वाहिदा। आज हम बनाएंगे चिकन ऑमलेट, जो बहुत टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बनता है। पहली बार बना रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने सीखा है विलेज कुकिंग चैनल से। तो चलिए बनाने का तरीका और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले चिकन को स्टीम कर लेना है, जिसके लिए एक स्टीमर तैयार कर ले रही हूँ मैं। एक पतीले में पानी ले लिया है, थोड़ा सा ऊपर से कटोरी रख दिया है और छोटा वाला प्लेट रख दिया है इसके ऊपर। इसमें हम रख देंगे 150 ग्राम के जितना चिकन। जितनी क्वांटिटी में आप ऑमलेट बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप चिकन की ले सकते हैं। मैंने 150 ग्राम के जितना चिकन लिया है, उसको इस तरह से रख देंगे। ढककर इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने रखेंगे मीडियम हाई फ्लेम में। मैंने लिया है 3 प्याज और 3 हरी मिर्चें। मैं स्पाइसेस थोड़ा कम ही डालती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते। इसको जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक इसको चॉप कर लेंगे अनियन को। इस तरह से मैंने अनियन कट कर लिया है और फाइनली ग्रीन चिलीज को भी चॉप कर लेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिलीज कम ही डालें फ्रेंड्स, ये उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, उतनी ज़्यादा तीखी नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ा 3 ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, नहीं तो मैं और थोड़ा कम ही डालती। हरी धनिया के पत्ते ले लेंगे, इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। ये फ्रेंड्स इसको भी बारीक चॉप करके रख लेंगे। चिकन में करी लीव्स का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, कभी आपने ट्राई किया होगा या नहीं, आपने नोटिस तो ज़रूर किया होगा। जब भी मैं चिकन बनाती हूँ उसमें मैक्सिमम उसमें करी लीव्स डालती ही डालती हूँ। तो चलिए चिकन देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से गला है चिकन, तो इसको निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने निकाल लिया है, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसमें डाल देंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको कर लेंगे मिक्स और इसमें डाल देंगे 5 से 6 अंडे। तो इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह से चिकन ऐड करने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स, अगर और एक की ज़रूरत लगेगी तो और एक या फिर 2 अंडे ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें रनिंग कंसिस्टेंसी में इस तरह से चाहिए। अगर चिकन ऐड करने के बाद ये थोड़ा थिक हो जाता है तो इसमें हम 1 या फिर 2 अंडे ऐड कर देंगे। तो इसको उठा के साइड में रख देंगे। चिकन ले लेंगे, चिकन देखिए इस तरह से हल्का ठंडा हुआ है। इसमें से जो भी बोन्स है बोन्स को अलग कर लेना है, अभी गर्म है ये, आप देख सकते हैं स्मोक निकल रहा है अभी भी, जितना हो सकता है इसको अलग कर लेंगे गर्मा गर्म ही। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने चिकन को इस तरह से श्रेड कर लिया है, एक भी बोन नहीं है इसमें। तो चलिए चिकन को थोड़ा मसालों से कुक कर लेंगे, मसाले डालकर चिकन को कुक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों कढ़ाई मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, कढ़ाई हल्की गर्म हो चुकी है। इसमें डाल देंगे जिंजर ऑयल, यानी के तिल का तेल, तिल का तेल है दोस्तों ये, देखिए जिंजर ऑयल इसमें ऑयल। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे ज़ीरा, करी लीव्स, साथ ही साथ डाल देंगे श्रेड किया हुआ चिकन। इसमें डाल देंगे हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, लेट मी ट्राई इट फॉर यू। चिकन तो वाकई में अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, जो ससमे ऑयल का फ्लेवर आ रहा है बहुत मज़े का लग रहा है। तो ये अभी हो चुका है, इसको निकाल लेंगे।
और हमारे एग के मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अभी चेक कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी एक बार इसको मिक्स करने के बाद, ये ठीक लगेगा या फिर कंसिस्टेंसी ठीक रहेगी। अगर कंसिस्टेंसी ठीक रहेगी तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, नहीं तो एक या फिर दो अंडे ऐड कर देंगे। मैं एक अंडा ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है ये, तभी इसको फ्राई कर लेंगे। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। अभी इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ चिकन और अंडे का मिक्सचर। देखने में तो ज़बरदस्त लग रहा है फ्रेंड्स, इसको कर लेंगे फ्लिप। तो चलिए इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना मज़ेदार लग रहा है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बना लिया है चिकन ऑमलेट। इसको बनाने के बाद आप ये नहीं पूछेंगे कि अंडा पहले आया फिर मुर्गी पहले आई, क्योंकि दोनों भी साथ में आ चुके हैं। अभी इसको टेस्ट कर लेंगे इस तरह से बना है, चेक कर लेंगे, क्योंकि ये रेसिपी मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ। बहुत गर्म है ये देखिए चिकन, वाकई में दोस्तों बहुत टेस्टी है। जब चिकन हमें जिंजली ऑयल में बनाया था, जब खाकर जब लग रहा था ना, थोड़ा जिंजली तिल के तेल का फ्लेवर आ रहा है, बल्कि इसे खाने के बाद बिल्कुल उसका फ्लेवर नहीं आ रहा है तिल के तेल का। नॉर्मल ऑमलेट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड्स। आप इसको बनाएं, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें फ्रेंड्स। तो मैं पहली बार दूसरों की रेसिपी ट्राई कर उनका फीडबैक दे रही हूँ। अगर इस तरह की रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें इसका रिव्यू आप देखना चाहते हैं, या फिर इसकी रेसिपी मैं ट्राई कर आपको बताऊं। ये रेसिपी तो आपको ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत मज़े की बनी है रेसिपी। तो चलिए मिलते हूँ मैं आपसे अगली रेसिपी में, तब तक अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।